नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नुपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का ये स्टूडेंट सप्ताह चल रहा है और स्टूडेंट सप्ताह में जो आप देखेंगे केबीसी मंच पे अद्भुत रंग बिखेरते हुए बच्चे आपको नजर आएंगे, जो ज्ञान का भंडार लेकर के स्टेज पे आए हैं, जो महाना के सामने हॉट सीट पर बैठे आपको मिल रहे हैं। और इन दिनों जो भी देख रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान, ये तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई ठीक से की जाए, कराई जाए, तो नेचुरली कि बच्चे एक से एक धुरंधर निकल जाते हैं। और नेचुरली है, निकलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में भी ऐसे बच्चे हैं और ये हमारे लिए गौरव का बात है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 16 तारीख को जो आप देखेंगे 1 करोड़ तक के सवाल में बच्चे पहुंच गए हैं। चूंकि पहले जो आपने देखा था 50 लाख जीत करके गए या 25 लाख पॉइंट, चूंकि पॉइंट में बताएंगे, बच्चों के लिए पॉइंट मिलना है, जो कल होकर के उनको राशि ही मिलेगी, जो उनको सूद समेत मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो मिल रहा है ये उनको पॉइंट्स मिल रहा है। तो 25 लाख पॉइंट्स, 50 लाख पॉइंट्स, और अभी एक गजब हो गया, चूंकि ओडीपी कर्नाटक के रहने वाले अनाम्या दिवाकर जी 1 करोड़ के प्रश्न तक दस्तक दे चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 1 करोड़ के प्रश्न तक वो पहुंच चुके और सही जवाब नहीं होने के बाद बहुत ही बुद्धिमानी से वो क्यूट कर गए। तो अभी हम आपको बताते हैं कि 1 करोड़ तक जो वो दस्तक दिए तो किस तरह वो अपने 4 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और चारों लाइफलाइन का ई बखूबी इस्तेमाल किया। और जहां उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसका सही जवाब हम नहीं दे पाएंगे, वहां वो लाइफलाइन अपना इस्तेमाल करते चले गए। लेकिन अंत में जब वो पहुंचते हैं तो 1 करोड़ भी हो सकता है ये पार करते, लेकिन अफसोस कि ये पार कर नहीं सके। लेकिन कुछ भी, इतनी कम उम्र में, चूंकि इनकी उम्र मात्र 12 साल है और 12 साल में ये अद्भुत रंग जो देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल अजीबोगरीब है। और बता दें, इनका जो ख्वाब है, ये चाहते हैं कि हम एक बिजनेसमैन बने, एक उद्योगपति बने और कार का निर्माण करें, यानी कार के निर्माता बनना चाहते हैं। तो अभी से ये अपनी जो सपने हैं उनको सजा रहे हैं और ये उनका सपना जो है वो साकार भी होगा। चूंकि अभी जो भी राशि वो जीत के गए हैं पॉइंट्स, ये कल होके जब 18 साल के हो जाएंगे तो ये राशि में तब्दील हो जाएगा और इनको सूद समेत वो राशि मिलेगा, ताकि आप अपने सपने को साकार कर लीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई जारी आगे रख सकते हैं और बाकी अगर कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हो उनका मन, चूंकि उस समय वो उनका स्टैंडर्ड और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो और भी विस्तृत सोच पाएंगे कि इस पैसे का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि जो भी है इनके मेहनत का वो धन होगा। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो 4 लाइफलाइन है वो किस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। तो पहला लाइफलाइन जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो किया है 40,000 के सवाल पे, यानी 40,000 पे इन्होंने लिया है वीडियो कॉल। वीडियो फ्रेंड का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बिहार के ही एक आईएएस अफसर है और उन्होंने सही जवाब दे करके ये पड़ाव पार करवाया है। और दूसरा में ये 6,40,000 पर ये फ्लिप द क्वेश्चन, और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन में जो होता है वो सवाल चेंज कर दिया जाता है, तो सवाल चेंज करने के बाद एक नया सवाल आ जाता है इनके मनपसंद विषय पे। और अब मैं बता दूं कि सवाल चेंज करने के पहले ही महानायक पूछते हैं कि जो फ्लिप द क्वेश्चन में जो सवाल आया था उसका आप सही जवाब क्या होगा, एक अंदाजा अनुसार आप जवाब दीजिए। और जो वो जवाब दिए वो वाकई सही था और सही जवाब था उनका भी ये, अगर वो दे पाते। लेकिन नहीं, ये इतनी बुद्धिमानी से इस गेम को खेले हैं कि जहां इनको लगा कि नहीं, हो सकता है ये गलत हो, तो वहीं पे ये फ्लिप द क्वेश्चन अपने गेम उसका जवाब, सवाल को उन्होंने पलट दिया। और उसके बाद इनको जो दूसरा सवाल मिला उस सवाल पे फिर ये जीत का हासिल किए और ये आपका था ये फ्लिप द क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद ये तीसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हैं ये 25 लाख के सवाल पे, इसमें था एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट से इन्होंने अपने सवाल के जवाब को लिया और ये भी पार किया। और पार करते हुए ये आगे बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए, यानी 50 लाख इन्होंने पार किया, बखूबी अपने जीनियस होने का सबूत स्टेज पे दिया कि देखिए हम कितने जीनियस हैं। और उसके बाद आता है चौथा, 1 लाइफलाइन इनको बचा हुआ था और 1 करोड़ का दस्तक आ गया सामने जो देना था इनको जवाब, और उस जवाब में ये चूक गए। और चूकने के बाद इन्होंने स्पष्ट कहा महानायक को कि नहीं, इसमें तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास 1 लाइफलाइन बचा हुआ था, तो उस लाइफलाइन का इन्होंने इस्तेमाल किया 1 करोड़ की राशि पे, और 1 करोड़ का जो पॉइंट आया था उसमें जो इन्होंने जवाब दिया, तो फिर इनको लगा कि नहीं, हो सकता है ये जवाब हमारा गलत हो, क्योंकि फ्लिप उसमें 50-50 में क्या हो जाता है कि दो तो ऐसे ही खत्म हो जाता है सवाल, और दो जो सवाल बचता है उसमें भी ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, और ये वहीं पे क्यूट कर देते हैं।
तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 50 लाख पॉइंट ये जीत कर अपने घर गए हैं और गदगदा दिए, यानी कि इनके माँ बाप का क्या कहना, वो तो गदगद हो करके गए हैं कि छोटा सा बच्चा जो 12 साल का है अभी इस उम्र में, यानी पॉइंट जीतने का मतलब है डायरेक्ट आप राशि को रख लीजिए कि 50 लाख रुपए जीत करके छोटे बच्चे इस मंच से गए हैं, ये तो अद्भुत बात हो गई ना। तो कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पे, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि आने वाले भविष्य पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ उन घर के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ माँ बाप का ये काम नहीं आएगा, ये तो पूरे देश के लिए ये बच्चे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग शिक्षित भी हो जाए होंगे, या फिर ये अगर ये कह रहे हैं कि कार निर्माता बनेंगे तो नेचुरली ये बहुत सारे लोगों को ये रोजगार दे पाएंगे। तो हमारा भारत कल, आने वाले कल का भारत का क्या नज़ारा होगा, ये तो अभी से हमको दिखाई पड़ रहा है, शायद आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये रंग बिखेरती दुनिया में जो ये बच्चे जो खुशबू बिखेर रहे हैं ना, तो हर घर में बहुत सारे बच्चे हैं, और हम और आप अगर चाह लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अंत में इनके माता पिता को तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जो ये बच्चे को जन्म ही नहीं दिए, इनकी जो परवरिश इन्होंने की है और सींचा है, जिस तरह एक पौधे को हम लोग सींचते हैं और सींचने के बाद उसमें जो फल लगता है, तो इनके माता पिता ने ऐसे ही सींचा है इस बच्चे को और इतने खाद पानी डाले हैं, जिसका आज रंग केबीसी मंच पे हमको आपको पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं और भारत को कितना गौरव प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को तो सैल्यूट है, आगे चल करके न जाने ये कौन सा रंग बिखेरेंगे हमारे भारतवर्ष में। और दूसरी चीज है कि जितने बच्चे ये शो को देखते हैं उसमें एक अद्भुत कहते हैं ना उत्साह बढ़ेगा, और कहेंगे वो बच्चे कि नहीं वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि कंपटीशन की भावना बच्चों में होती है, एक बच्चे आगे जहां बढ़ेंगे दूसरे भी उतने ही पढ़ने के लाइन में आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पर्दे पे हम देखते हैं, वो कोई शो हो, वो कोई सीरियल हो या वो सिनेमा हो, उसमें बच्चे का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की भावना होती है, यानी कि नकल की भावना होती है, जो बड़े करेंगे वो बच्चे करेंगे। आप देख लीजिए ना, बहुत सारे घरों में देखेंगे जो बड़े किताब लेके बैठेंगे तो बच्चे बखूबी किताब लेके ही बैठ जाएंगे, लेकिन वही जो पेरेंट्स होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, वो अगर टीवी खोल के देखेंगे, जैसी पिक्चर देखेंगे बच्चे उसी में प्रभावित होंगे और वही पिक्चर देखेंगे, वही टीवी सीरियल देखेंगे, टाइम देखेंगे ये सीरियल कब आ रही है। तो सीरियल जिंदगी नहीं बनाती है किसी भी बच्चों का, वो बड़ा हो चलिए, बड़े लोग तो टाइम पास करने के लिए देखते हैं, लेकिन बच्चे को तो अपने आप को निखारना होता है, अपनी दुनिया बनाना होता है और उस मंजिल पर पहुँचना होता है जहाँ के लिए पूरी दुनिया इंतजार करती रहती है कि बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच करके ये फतेह हासिल करते हैं, और उसी का नाम केबीसी मंच है, क्योंकि केबीसी मंच एक ऐसा मंच है जो बच्चों को सिर्फ आज बनाई नहीं, इतनी रकम भी वो जीत कर गए हैं ताकि कल उनका जो भविष्य होगा इंद्रधनुषी रंग बिखेरता हुआ भविष्य होगा, जहाँ उनको कोई परवाह नहीं होगी और एक अच्छी खासी दुनिया वो अपना बना पाएंगे और सजा पाएंगे। और यही चीज़ हर बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फतेह हासिल कर सकते हैं।